नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। जहां एक तरफ झारखंड में बड़े बड़े सितारे जो हैं अपना जलवा दिखाते हैं, वहीं आज झारखंड सरकार जो है इसको लेकर कहीं पर भी सचेत नहीं दिख रही है। आज इस वक्त राजधानी रांची के ऑक्सीजन पार्क में एक मूवी शूट हो रहा है जिसका नाम है कोटा सिक्का। तो यहाँ पर बाहर से लोग कलाकार आए हुए हैं, असम से, बंगाल से, हम उनसे ही जुड़ते हैं और इस मूवी के बारे में ही जानते हैं। सर, आपका पहले तो परिचय क्या हुआ? सबसे पहले एशिया न्यूज़ के मोर बटले जोहार, और मोर नाम है अरिजीत लोहार और मैं बंगाल का रहो। ये मूवी बनाने का क्या थीम था? एक्चुअली इस मूवी का कहानी अनमोल खलको जी और रंजू मीन मुझे बताया सुनाया, बहुत अच्छा लगा कि अनलिमिटेड फन है इस मूवी में, काफ़ी कॉमेडियन मूवी है। और इस मूवी में जैसे हमारे झारखंड के स्टार लोग और बंगाल के सब मिलके हम लोग अच्छा से काम कर रहे हैं। क्या इस मूवी में क्या ऐसा दिखाया गया है कि लोगों को प्रेरित करेगा? इसमें एक बोलने जाने से एक सिक्का है, उस सिक्का का पीछे भागदौड़ रहता है। अभी तो मैं बता नहीं सकूंगा, बता देंगे तो थिएटर में मज़ा नहीं आएगा। तो दर्शकों को मैं यही कहूंगा कि थिएटर में जाएं और इस मूवी को ज़रूर देखें और सपोर्ट करें। ये मूवी कब तक रिलीज हो जाएगी, या झारखंड में होगी या फिर अदर स्टेट में भी होगी? ये मूवी तो जैसे होगी, हम लोग आसाम, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार और बहुत जगह बाहर बाहर भी होगा रिलीजिंग। सर, आप बंगाल से आए हुए हैं रांची, क्या आपको नहीं लगता है कि झारखंड सरकार भी अगर यहाँ के युवाओं को अगर थोड़ा सा सपोर्ट करे तो लोग बाहर भी जाकर अपना जलवा दिखा सकते हैं, झारखंड का और रांची का भी नाम होगा? बिल्कुल बिल्कुल गौर, जहाँ एक तरफ झारखंड के लोग जो हैं वो जलवा अपना नहीं दिखा सकते हैं थिएटर में या किसी भी क्षेत्र की बात करें, वहीं झारखंड में बाहर से, हरियाणा से, बंगाल से, उड़ीसा से लोग आकर यहाँ पर मूवी का शूट कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा। हालांकि जब हमने यहाँ कलाकारों से बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड सरकार अगर हम लोग को सहयोग ही करना चाहती है तो सिर्फ सब्सिडी को लेकर ही सहयोग करे, सब्सिडी हम लोग को दे दे। इसी के साथ तमाम जानकारी के साथ बने रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। हमने सहयोगी अर्चना के साथ मैं